बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद सरोज पांडे ने भी कांग्रेस की सूची को लेकर बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सूची में ज्यादातर चेहरे घिसे पिटे और थके हुए हैं। सरोज पांडे ने कहा कि रमन सिंह से गिरीश देवांगन रिकॉर्ड मतों से हारेंगे, जिसको लेकर सरोज पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्र ने। राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किस तरह की टक्कर देखते हैं, तो 20 में से 21 कौन रहेगा, क्या लगता है आप? 21 भाजपा ही रहेगी और कांग्रेस पार्टी 20 पर भी खड़ी हो पाएगी मुझे संशय है, वो उससे भी नीचे जाएगी। कांग्रेस ने जो 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उस सूची को देखकर क्या लग रहा है आपको? 30 में 23 भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, तो ये सूची साफ है। पुराने चेहरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो आने वाले समय में जनता इस बात को जानती भी है, समझती भी है, तो बात साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। रमन सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मित्र गिरीश देवांगन को उतारा है, कितना टक्कर देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो राम की तरह हूँ, अपनी तुलना राम से भी कर दी है, राम भक्त हूँ बोला उन्होंने। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि भगवान राम का क्या व्यक्तित्व रहा है, उन्हें पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। वो कुछ भी कह लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते तो थोड़ा पता होता। अब अपने सहपाठी को भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा, उसकी भी राजनीतिक बलि दे दी है। बड़ा आश्चर्य लगता है, मुख्यमंत्री जी कोई गुरेज नहीं करते हैं, तो राजनांदगांव में रिकॉर्ड मतों से वो हारेंगे। तो ये थी सरोज पांडे जी, और इन्होंने कहा है कि पहले चरण में जो 20 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बस्तर पूरा बस्तर है और उसके बाद लोकसभा राजनांदगांव लोकसभा है, वहाँ पे जो 20 सीटों पे चुनाव हो रही है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 21 होगी। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर।